नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार मनपा में सूर्या बांध परियोजना का पानी जल्द छोड़े जाने की मांग लेकर बहुजन विकास अघाड़ी नेता पहुंचे मनपा मुख्यालय। आयुक्त को निवेदन पत्र सौंपने के बाद बड़े आंदोलन या मोर्चे की भी दी चेतावनी। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वह मुद्दा है सूर्या बांध से बिछाई गई नई पाइपलाइन से वसई विरार क्षेत्र को मिलने वाले 185 एमएलडी पानी का पाइपलाइन के उद्घाटन में हो रही देरी का मुद्दा, जिस कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सूर्या बांध से एमएमआरडीए ने नई पाइपलाइन बिछाई है और उस पाइपलाइन से सूर्या बांध का 185 एमएलडी पानी वसई विरार को और कुछ पानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को आपूर्ति किया जाना है। लेकिन चूंकि करीब 2300 करोड़ की लागत की यह बड़ी परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है और राज्य में सत्ताधीन सरकार इस परियोजना का उद्घाटन काफी बड़े लेवल पर करना चाहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस उद्घाटन में शामिल किए जाने की योजना राज्य सरकार ने बना रखी है। लेकिन प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के चलते इस परियोजना के उद्घाटन का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण वसई विरार वासी इस सीजन में भरपूर बारिश होने के बाद भी हर रोज पीने के पानी को तरस रहे हैं। लोगों की समस्याएं अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की राजनीति अपनी जगह पर है और वैसे भी सभी राजनीतिक पार्टियां हर आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करती रहती है। पानी समस्या भी बड़ी आपदा है जिसमें क्षेत्र की पार्टियां अपना अवसर ढूंढ रही है। सूर्या बांध के पानी की आपूर्ति जल्द करने मनपा में अपने निवेदन लेकर जा रही है, बल्कि बड़े बड़े मोर्चों का आयोजन कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पिछले दिनों तक निवेदन लेकर जाने या मोर्चा निकाले जाने में क्षेत्र की विपक्षी पार्टियां जिसमें मनसे, शिवसेना, भाजपा आदि जुट रही थी, लेकिन आज दोपहर में लंबे समय से वसई विरार की सत्ता पर कब्जा जमाए बैठी बहुजन विकास आघाड़ी भी मनपा मुख्यालय में अपना निवेदन लेकर पहुंची। वैसे जून 2020 से प्रशासनिक राज होने के चलते बविया भी सत्ता से बाहर है, बल्कि अघोषित विपक्ष की भूमिका में है। खैर, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है ये एक अलग मुद्दा है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं आज दोपहर में पानी के मुद्दे पर निवेदन लेकर मनपा मुख्यालय पहुंचे बहुजन विकास आघाड़ी नेताओं की। तो आपको बताते चले, बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेता जिसमें पूर्व महापौर, पूर्व उप महापौर, पूर्व सभापति व पूर्व नगर सेवकों ने मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त के साथ पहले एक बैठक ली, जिस बैठक के दूसरे और भी अधिकारी, विशेष तौर पर पानी पुरवठा विभाग के इंजीनियर भी शामिल हुए और कई देर तक विस्तृत चर्चा हुई। बाद में बविया नेताओं ने मनपा आयुक्त को निवेदन पत्र सौंपा। आयुक्त कार्यालय से बाहर निकले बविया नेताओं ने वहां मौजूद पत्रकारों को बयान जारी करते हुए वसई विरार वासियों का पानी की समस्या से जल्द छुटकारा दिलाए जाने, सूर्या परियोजना का जल्द से जल्द उद्घाटन किए जाने का निवेदन पत्र दिए जाने की बात कही व साथ ही साथ मनपा प्रशासन को जल्द समस्या का निवारण नहीं होने की सूरत में भव्य मोर्चा निकाले जाने का अल्टीमेटम भी दिया। वीडियो में आप आगे सुनेंगे बविया नेताओं के उस पूरे बयान को, लेकिन बविया नेता के बयान से पहले यहाँ हमारा, बल्कि वसई विरार क्षेत्र की जनता का एक बड़ा सवाल हम यहाँ जरूर उठाना चाहेंगे। सवाल यह है कि बविया चाहे मनपा से सत्ता से बाहर है, लेकिन फिर भी वसई हो या नाला सुपारा हो या बोईसर, तीनों ही विधानसभा में विधायक के पद पर बैठे नेता बविया पार्टी के नेता है, जिनके राज्य सरकार से काफी बेहतर ताल्लुकात है। ऐसे में प्रशासक राज वाली मनपा के मुखिया हो या सूर्या परियोजना की मुख्य सूत्रधार एमएमआरडीए, दोनों की लगाम राज्य सरकार के हाथ में है। तो ऐसे में बविया नेताओं ने मनपा आयुक्त को निवेदन दिया, जिसकी जगह पर क्या सीधे राज्य सरकार के आला अधिकारी या खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र देते तो उसका असर और अधिक हो सकता था। फिर इन बविया नेताओं ने भी क्या दूसरी पार्टियों जैसे जनता में दिखावा करने, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने और कहीं न कहीं लगातार विपक्षी पार्टियों के टारगेट पर आने के चलते एक स्टंट मात्र किया है? खैर, सवाल अपनी जगह पर है और लोगों की समस्याएं अपनी जगह पर है। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी किसी अच्छे कार्य को किए जाने वाले कोई भी निवेदन देती है और अगर उस निवेदन से वह कार्य हो जाता है, तब हर कोई उस निवेदन पर सवाल नहीं उठाएगा। वीडियो में आगे सुनिए बविया नेता को। अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन भी कीजिए। हमें आर्थिक रूप से मदद करने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बार कोड को स्कैन कीजिए। नमस्कार। आज बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हम लोगों ने हमारे वसई विरार शहर में पानी की जो कमी है, और इसके पानी की कमी तो है, इसके बावजूद अपने पास सूर्या योजना का जो काम पूरा हुआ है, जो फर्स्ट स्टेज में उसका पानी हमें
आया है, किसी भी क्षण हम लोग ले सकते हैं। उद्घाटन के कारण उसकी पानी की सप्लाई आपूर्ति नहीं होती है और इसके लिए लोगों को बहुत परेशानी है, लोग बहुत त्राहिमाम है, और इसीलिए इस बात का कमिश्नर से बात किया। बाकी योजना है, पानी हमारे दरवाजे भी है, और लोगों को तरसना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए इमीडिएट जल्द से जल्द उस योजना का शुभारंभ करें और लोगों को पानी देना शुरू करने के बारे में बातचीत हो रही है। बोलो कमिश्नर साहब की ओर से क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर साहब की ओर से ऐसा है कि वो भी हमारे गवर्नमेंट से MMRDA से संपर्क में है, MMRDA की तरफ से उनको ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया है कि ये 30 तारीख के बाद इमीडिएट पानी का शुभारंभ होने की शक्यता है या पॉसिबिलिटी है, वो शुरू करने जा रहे हैं। उसकी डेट कमिश्नर की ओर से नहीं दी गई, तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 7-8 दिन में अगर पानी की आपूर्ति या सप्लाई चालू नहीं होता है तो हम लोग भी बहुत बड़ा एजिटेशन, हमारा बहुत बड़ा मोर्चा ये वसेवीरा शहर महानगर पालिका में से लोग आएंगे आपके दरवाजे में और इसको आपको फेस करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं, वसेवीरा शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लोगों को पानी की समस्या से कब तक निजात मिल जाएगी? हमारा तो कहना है कि हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर और राजेश पाटिल, इन लोगों ने मेहनत करके योजनाओं को मंजूर किया गया, योजना का पानी हमारे दरवाजे तक लाने में, हमारे पानी में काम करने वाले हमारे कई नगर सेवक है, हम भी है उसमें जाके हमारे अधिकारियों को साथ देते हैं, योजना बनाने वाले MMRDA की तरफ से LNT जो संस्था थी उसको हमने मदद किया, कई लोगों के आपसी डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने डिस्प्यूट है उसको छुड़ाया है और पानी अपने दरवाजे तक आया है तो लोगों तक पहुंचना ये मानवता का काम है, वो उन्होंने करना ही चाहिए, नहीं करते हैं तो हमें उसमें अपोज में जाना पड़ेगा। आम्ही आजपर्यंत मोर्चा काढण्याच्या फंदात पडलो नाही, कारण आम्ही सत्तेत होतो, सत्ताधाऱ्यांना आम्ही साथ देतो, अधिकारी असू दे किंवा आमचे राज्य सरकार असू दे, ह्यांना आम्ही बरोबर घेऊन काम करत असतो आणि काम होत असतात, पण एखादी गोष्ट जी आत्ताची जी परिस्थिती आहे ती विचित्र परिस्थिती आहे की पाणी दरवाजापर्यंत आलंय, उद्घाटन होत नाही म्हणून पाणी आम्ही लोकांना देत नाही आणि लोकांना या उन्हाच्या ज्या झळा लागत आहेत, प्रचंड गर्मी आहे त्यामुळे लोक पाणी करत आहेत, ही अवस्था फार वाईट, ही मानवते विरोधातली आहे आणि म्हणून ह्या वेळेला आम्ही ठरवलंय की ह्या वेळेला जो मोर्चा काढण्याची वेळ न येऊ पण आली तर न भूतो न भविष्य असा मोर्चा निघेल आणि कमिशनर किंवा आपणही अनेक मोर्चाचं संकलन करता आपल्या इथे लक्षात येईल। सर, विभिन्न पार्ट्या द्वारा भी पाणी के मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन किया गया है, आप लोग एक नगर सेवक सभापती महापौर उपमहापौर होने के कारण जनता की तकलीफें आप लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है कि इलाके से पानी का सप्लाई नहीं होने का, बीच में पानी के लिए गैप आने का, उनका वक्त जो नक्की किया है उस वक्त पानी नहीं पहुंचने का, ऐसी बहुत सारी समस्या है। कई लोगों को कुछ हमारा उधर का बिजली या कुछ शटडाउन हो गया तो 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता है, वो हमारे लिए भी शर्मनाक है। लोग ये समझते हैं कि हम लोग अभी नगर सेवक नहीं है, फिर भी समझते हैं कि इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, लोग हक से हमारे पास आते हैं तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन को भी ये बार बार कहने जा रहे हैं हम लोग कि बाबा ये लोगों की बहुत तकलीफ है, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए, और ध्यान खाली देना नहीं चाहिए, अगर ये इतने महान प्रयत्न से पानी हमारे शहर तक आया है तो वो लोगों तक छोड़ना चाहिए। आने दिन में हमारे त्योहार के दिन है, दिवाली जैसा त्योहार है तो उस टाइम तो कम से कम सब लोगों को पानी मिले और लोग समाधान व्यक्त करें। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।